So let's start with priority scheduling algorithm, priority CPU scheduling algorithm P. So first we will do which priority? Non-preemptive. तो प्रायोरिटी में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कॉलम देते हैं वो लोग प्रायोरिटी नाम से, ठीक है। तो अपने को प्रायोरिटी के हिसाब से शेड्यूलिंग करना है, जितना छोटा नंबर उतना बड़ी प्रायोरिटी, ठीक है। तो अभी हाई किसके आगे लिखा है, वन के आगे, मतलब जितना छोटा नंबर उतनी हाई प्रायोरिटी। अगर हाई लिखा होता फोर के आगे तो, अगर हाई यहां लिखा, तो अगर हाई यहां लिखा होता तो नहीं, तो जितना बड़ा नंबर उतनी बड़ी प्रायोरिटी, हाँ लिखते है ऐसा। अगर नहीं लिखा है ना तो बाय डिफॉल्ट छोटा नंबर को प्रायोरिटी देने का ज्यादा, ठीक है। तो अभी अपने को पहले किसको लेना है, P4 को है ना, हाईएस्ट प्रायोरिटी वो है ना, क्या बोल रहा, सही है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको है, P4 को है ना, वन को है। तो P4 पहले अंदर जाएगा, राइट, सही है क्या? हाँ, सही है। नहीं सही नहीं है, ऑलवेज स्टार्ट विद द वन हैज कम एट जीरो। वो कब आने वाला है, जीरो से ये P4 कब आने वाला है, चार पे ना। हाँ, तो विल आई गो एम्प्टी टिल फोर, विल आई गो एम्प्टी फ्रॉम जीरो टू फोर, नो, फिर P2 को लेके जाएंगे। यस, तो पहले किसको लेंगे अंदर, P2 को। तो P2 कब तक चल रहा है, चार ना, चार तक। तो P2 चला चार तक, नॉन प्रीएम्प्टिव है ना, खत्म होके बाहर निकलेगा, तो चार तक चला। अब चार तक कौन कौन अराइव हो चुका है, P1 अराइव हो चुका है चार तक, P3 वो भी एक है, और P4 चार है ना। तो अभी P2 खत्म हो गया ना, तो अभी जो अराइव हो चुके हैं उनमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, वन फोर और थ्री में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, वन की। वन कौन है, P4। तो अभी नेक्स्ट अंदर कौन जाएगा, P4 जाएगा, P4 जाएगा, P4 चलेगा कहां तक, सेवन तक। तो कितना हो गया, कितना हो गया, 11 ना, 7 करने का, 11। तो ये भी खत्म हो गया है क्या, नहीं। फिर अभी कौन है हाईएस्ट प्रायोरिटी थ्री और फोर में, तो P1 है ना, वो कितना चलेगा, दो। तो कितना हो गया, दो, तेरह। फिर कौन है, तो ये भी खत्म हो गया, अभी ये भी खत्म हो गया। अब कौन बचता है, P3 का कितना है, एक। तो कितना है ये, 14 हो गए, 14। चलो अभी इनका बोलो स्टार्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, स्टार्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, और बाकी जो जो फाइंड करना है वो फाइंड कर सकते हैं, है ना। TAT WT RD, बोलो स्टार्ट टाइम कितना है P1 का, 11, और एंड टाइम, 13, P2 का, 0, एंड टाइम, 4, P3 का, 13, और P4 का, 14, 4 और 11, ठीक है। TAT क्या है, CT minus AT क्या है, CT minus AT, तो क्या है फॉर्मूला, क्या है इसका, फिर 13 माइनस कितना, 2, कितना हो गया, 9, इसका कितना है, 4 माइनस 0, कितना है, 4, इसका कितना है, 14 माइनस 1, और इसका कितना है, 11 माइनस 4, टोटल कितना हो गया, 9 प्लस 13, 26, 35 अपॉन 4, विच इज 9.25, विच इज 9.25। ओके, WT का फॉर्मूला क्या है, TAT माइनस BT क्या है,
T80 माइनस BT तो कितना हो गया 9 माइनस 2 विच इज 7 और इसका 4 माइनस 4 विच इज 0 इसका 13 माइनस 1 13 माइनस 1 विच इज 12 इसका 9 माइनस 7 9 माइनस 7 विच इज 2 टोटल कितना हो गया 7 प्लस 12 इज 23 बाय 4 विच इज 5.75 एंड व्हाट इज आरडी T80 बाय बीटी तो विच इज व्हाट 9 डिवाइड बाय 2 विच इज हाउ मच 4.5 नेक्स्ट का कितना है 4 डिवाइड बाय 4 विच इज 1 से कितना है 13 डिवाइड बाय 1 13 डिवाइड बाय 1 विच इज 13 और ऐसा कितना है 9 डिवाइड बाय 7 9 डिवाइड बाय 7 विच इज लेट्स से 1.16 ठीक है 1 पॉइंट तो टोटल कितना हो गया इसका टोटल निकाल जल्दी से 4.5 प्लस 5.5 प्लस 12 13 कितना हो गया 18.5 प्लस 19.65 कितना हो गया डिवाइड बाय 4 करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 5 आ रहा है आंसर क्या रहा है 5 अप्रोक्सीमेट 5 आ रहा है समझ में आया समझा ये क्या था प्रायोरिटी वाला कौन सा प्रायोरिटी नॉन प्रीएम्प्टिव Now let's do priority का preemptive version. Priority का कौन सा version? P version. ठीक है priority मिल गई तो अभी halts कहाँ कहाँ होने वाले हैं screen नहीं दिख रही halts कहाँ कहाँ होने वाले हैं अभी 0 पे every arrival time is a halt. Every arrival time is a हॉल्ट तो हॉल्ट होगा गाड़ी 1 पे होगा फिर 2 पे होगा 2 पे होगा फिर किस पे होगा 4 1 2 और 2 4 4 है ना तो स्टार्ट किसे करने का अभी हु हैज कम एट 0 हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है P4 की पर स्टार्ट किसे करने का जो जीरो पे आया है जीरो पे कौन आया है P2 ठीक है गाड़ी के हॉल्ट कहाँ कहाँ होने वाले हैं 1 पे 2 और 4 ये अपने हॉल्ट से ठीक है तो जब गाड़ी 1 पे हॉल्ट करी तो P1 को कितना चलना P1 आ रहा हुआ है क्या नहीं P2 को 4 चलना था वो 1 चल गया कितना बैलेंस है और P3 जस्ट अभी आया है ना हाँ. कितना चलना है उसको 1 है ना 1 अब इन दोनों के अंदर देखने का ये हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है 1 की हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है 2 और 4 में 1 की हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है 2 और 4 में 2 की 2 की है 1 कैसे कर रहा है तू हाँ वो मैं राइट करेगा शॉर्ट में शॉर्टेस्ट जॉब नहीं करने का प्रायोरिटी देखने का तो 2 और 4 में हाईएस्ट तो इन दो में जो अराइव हो चुके हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है P2 की है तो वापस P2 कंटिन्यू करेगा वापस क्या करेगा P2 नेक्स्ट हॉल्ट किधर हुआ 2 पे जाके ठीक है तो 2 पे जाके जब हॉल्ट हुआ तो P2 एक और चल गया तो इसका बैलेंस कितना है 2 इसको चलना है 1 इसका नंबर आया नहीं था और अभी ये अराइव हो चुका है इसको 2 चलना है ना तो अभी 2 2 1 ये 3 है ना अपने पास तो इनमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है अभी 3 2 4 हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है P2 के है ना तो वापस P2 जाएगा अंदर समझ रहा है बहुत सिंपल है ये हाँ समझ रहा P2 की नेक्स्ट हॉल्ट किधर हुआ
तो इसने टू चलना था तो ये खत्म हो गया। हाँ। इसको दो चलना है, इसको एक चलना है, और अभी ये जस्ट अराइव हुआ है। कितना चलना है इसको? सात। अभी इनमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है वो देखने का। एक बार सब आ गए तो फिर हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है 217 में? 217 में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको है? 1, 2 और 3। वन के ना बिना भी। 2, 1 और 7 में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको है? प्रोसेस 1 P1 को है, P3 को है या P4 को है? P4 को है ना? 1 है ना ये प्रायोरिटी। मतलब अभी अंदर कौन जाएगा? P4 कब तक चलेगा वो? 7। एक बार सब आ गए तो गो नॉन स्टॉप। एक बार सब आ गए तो गो लाइक नॉन प्रीएम्प्टिव। ये चलेगा कितना? 7। मतलब कितना हो जाएगा? 11। तो ये भी खत्म हो गया। अब 1 और 2 में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको है? 3 और 4 में P1 को। P1 कितना चलेगा? 3, 2। तो कितना हो गया? 13 है क्या? नहीं, 2 है ना उसको? हाँ, 2 है। ये भी खत्म हो गया। अब हाईएस्ट अभी बचा कौन? अभी बचा कौन? P3 बचा। अभी कितना चलना है P3 को? वो आएगा 1। तो क्या हो गया? 14। समझ रहा है? ओके ओके। लेट्स टू स्टार्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिलेटिव डिले। बोलो P1 का स्टार्ट टाइम 11:13। P2 का 0 और 4। P2 का 0 और 4, वेरी गुड। P3 का 13:14 और P4 का 4 और 11। टर्न अराउंड टाइम क्या है? CT-80 है ना? CT-80। तो क्या है फॉर्म? तो बोलो CT कितना है इसका? 13 माइनस 2। कितना है ये? 9। इसका कितना है? 4 माइनस 0। इसका कितना है? 14 माइनस 1। इसका कितना है? 7 माइनस 4। टोटल निकालते रहने। टोटल कितना हो गया? 9 प्लस 4 13। 13 प्लस 13 26। 26 प्लस 7 33 ना? 33 बाय 4 कितना हो गया? 8.75। कितना हो गया ये? 8.25। और WT क्या है? TAT माइनस BT। कैलकुलेशन एक बार चेक करना कैलकुलेशन, ठीक है? तो TAT कितना है इसका? 9। BT कितना है? 2 which is 7। इसका 4 माइनस 4 which is इसका 13 माइनस 1 which is 12। और इसका 7 माइनस 7 which is 0। तो कितना हो रहा है इसका टोटल निकाल? 19 डिवाइड बाय 4 तो कितना हो रहा? विच इज 4.75। ठीक है। और लास्ट कौन सा है? रिलेटिव डिले। क्या ये? TAT डिवाइड बाय BT। तो कितना है ये? 9 डिवाइड बाय 2 ना? 4.5। ये कितना है? 4 डिवाइड बाय 4 विच इज 1। ये कितना है? 13 डिवाइड बाय 1 विच इज 13। और ये कितना है? 7 डिवाइड बाय 7 विच इज 1 है ना? हाँ। तो अब बोलो कितना है ये?
थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन 19.5 है ना, 19.5 डिवाइड बाय 4 इज अप्रोक्सीमेटली 5, समझा? तो ये है तुम्हारा